ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द न्यू स्टडी ब्लॉग। सो गाइज, टुडे आई वोक अप एट 7 AM and you can also see the beautiful weather and the beautiful sunrise. तो गाइज़, नई सुबह हो चुकी है, तो आज देखते हैं आज का ये नया दिन मेरे लिए क्या लेके आया है। तो गाइज़, अब बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपने डेली स्टडी रूटीन को स्टार्ट करने के लिए बैठ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा बहुत चेंज लाया जाए। डेली मैं नीतू मैम वाली बुक से वोकैबुलरीज रिवाइज़ करती थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना तरुण ग्रोवर सर के जो मैंने नोट्स बनाए थे, उनकी क्लासेस से जो रूट वर्ड्स के नोट्स बनाए थे उनसे स्टार्ट करूँ। वैसे इन नोट्स को पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम भी हो गया था, तो मैं अभी उन्हीं के नोट्स लेके बैठ चुकी हूँ। सो गाइज़, अगर आप भी अपनी वोकैबुलरी को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरे हिसाब से आपके लिए यूज़फुल होगी। जो वर्ड पावर मेड इजी बुक है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी जो रूट वर्ड्स हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स हैं वो तरुण ग्रोवर सर ने करवाए हुए हैं और उन्हीं के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और वही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ आप देखें वो सभी वीडियोस। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो वीडियो। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी मेरे ये रूट वर्ड्स वाले नोट्स डन हो चुके हैं, तो अब मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी, तो क्यों ना खाना खाने के लिए चलते हैं। तो अभी मम्मी ने खाना बना दिया है, बिल्कुल चूल्हे वाला, बिल्कुल देसी खाना। तो आप देख सकते हैं माँ का प्यार, कितना घी रखा है मम्मी ने भी, बिल्कुल। तो अभी मैं ये थोड़ा बहुत लंच इंजॉय करूँगी और फिर उसके बाद मिलते हैं हम। तो अभी खाना पीना करने के बाद चलो दोबारा वोकैबुलरी रिवाइज़ करते हैं। वो तो रूट वर्ड्स के नोट्स थे, तो अब नेक्स्ट अपना जो डेली का टारगेट रहता है नेक्स्ट 1 पेज, तो अभी मैं नीतू मैम वाली बुक से वही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, अभी मैं उन सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ जो लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने के बाद बिल्कुल गिव अप करने लग जाते हैं। सोचते हैं भाई हमसे नहीं होगा, हम ऐसे ही हैं, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बिल्कुल फालतू की चीज़ें सोचने लग जाते हैं और बिल्कुल लो फील करने लग जाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुने। तो गाइज़, लाइफ में नीचे गिरना ना फेलियर नहीं होता है। फेलियर वो होता है जब आप नीचे गिरने के बाद दोबारा ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो 10 बार गिराएगी, बट जीतेगा वही जो 11वीं बार भी उठ के खड़ा हो जाएगा। गाइज, अभी मेरा एक सेशन कंप्लीट होने ही वाला है क्या, ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जामुन खा रही हूँ, ये जामुन मेरी फेवरेट है। तो गाइज, अभी ब्रेक के बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं जो भी मैंने पिछले वीक सब किया है उन सभी को रिवाइज़ करूँ। इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को जो भी मैंने पिछले वीक किया है, तो मैंने किए हैं वर्ब्स, टेंसेज एंड नरेशन। तो मैं अभी वर्ब्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, इसके बाद टेंसेस को रिवाइज़ करूँगी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक नेक्स्ट चैप्टर भी ले ही लेते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कौन से चैप्टर करने का मन करेगा। फिर मैं सोचती हूँ कि वही इस नोटबुक में जो जो चैप्टर वही रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इस नोटबुक में नेक्स्ट चैप्टर है नाउन्स, तो मैं इसके बाद नाउन को ही रिवाइज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं वर्ब्स कर रही हूँ, फिर उसके बाद टेंसेस एंड फिर नाउन्स। तो अभी ये वर्ब्स चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है, तो अब थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में, देखते हैं आज कैसा मौसम है। आज बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं है, सूर्यदेव उग चुके हैं आज तो बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अभी थोड़ी देर के रेस्ट के बाद हम दोबारा अपने वर्ब्स चैप्टर को तो कंप्लीट कर लिया था, अब टेंसेस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करने के लिए आ गए हैं। तो अभी मैं उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी। सो गाइज़ अब ये 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो ही गया है। तो चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। तो गाइज़ ये देखिए बसंती और उसके बच्चे। चलो क्यों ना आज मैं आप सभी को इनसे मिलवाती हूँ। हेलो बसंती, बसंती सुन, आज तेरी वीडियो बना रही हूँ मैं, देख इस तरफ। अरे तुम तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने तुम देखा रहे। अरे शाबाश, हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। बसंती तुझे अच्छा लग रहा है ना वीडियो में आके? नहीं, निकल यहाँ से। तो गाइज अभी बसंती ने तो कर दी है मस्त वाली बेइज्जती, पर कोई बात नहीं, होता रहता। अब मेरे साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। तो एक बुक सी है जो अपनी सही फ्रेंड है, ये सही बेइज्जती नहीं कर सकती अपनी, बट कोई बात नहीं। चलो पढ़ते हैं, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, अब सीधी पढ़ाई वाली बात पे आते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ नाउन्स चैप्टर। मैंने टेंस और वर्ब तो कर लिया, अभी नाउन्स भी कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी चलो थोड़ी देर के लिए ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं आज बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, गुलाबी मौसम। देखो बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया सच में। तो अब मौसम को बिल्कुल अच्छी तरह एंजॉय करने के बाद दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ नरेशन। अभी ये सभी वही नोट्स हैं जो मैंने तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट से बनाए थे। तो अभी मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ, नरेशन चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ अभी मैं। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स से तो रिवीजन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम करते हैं नीतू मैम वाली बुक से नरेशन चैप्टर को देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी तो उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे और फिर बाद में नोट्स में उतार लेंगे। तो अभी देखो मैं कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर भी रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर नहीं पढ़ी हुई और यहाँ पर हैं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो यहाँ पर नहीं है और वहाँ पर पढ़ी हुई है। तो दोनों से बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी और साथ में आंसर कीज भी विद एक्सप्लेनेशन। तो अभी मेरा हो चुका है। तो अभी थोड़ी बहुत खाना बनाने के लिए चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं चपातियाँ बना रही हूँ, बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाई है मैंने बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। तो अभी चलो थोड़ी देर के लिए ऊपर टहलते हैं। तो अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से रात हो चुकी है। सो गुड नाइट एवरी वन।